Hello butcho, let's see the question. Arrange the following formed elements in decreasing order of their abundance in blood in humans. In option E, platelets, in option B neutrophil, in option C erythrocytes, and in option D eosinophil, and in option E monocytes. Choose the most appropriate answer from the options given below. In option A, A, C, B, D, and D. In option B C A B E D. इन ऑप्शन सी सी बी ए डी एंड इन ऑप्शन डी डी बी ए सी तो फर्स्टली सी अबाउट देशउट दिलेंट्स ऑफ द ब्लड हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड तो देखो ब्लड के फॉर्मड एलिमेंट में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है अगर हम उनके बारे में बात करें तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेल वो कौन कौन सी हैं तो so, देखो एक होती है विच इज ऑल्सो आर बी सी और ये इनका नंबर कितना होता है फाइव मिलियन टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन राइट और अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज द डब्ल्यू बी सी ये टोटल होती है सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड अगर हम डब्ल्यू बी सी के टाइप देखिए तो टोटल डब्ल्यू बी सी का न्यूट्रोफिल जो है वो मोस्ट अबेंडेंट है टोटल डब्ल्यू बी सी में न्यूट्रोफिल्स होती है सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल डब्ल्यू बी सी सिक्सटी से सिक्सटी फाइव परसेंट अगर हम बात करें बेसोफिल की तो बेसोफिल्स जो होती है ये सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट डब्ल्यू बी सी एट इज अराउंड पॉइंट फाइव टू वन परसेंट अगर हम बात करें ईसिनोफिल की ईओसिनोफिल्स तो इनका परसेंटेज होता है टू टू थ्री परसेंट अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की तो मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती है सिक्स टू एट परसेंट और लिम्फोसाइट्स विच इज प्रेजेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी राइट अगर हम बात करें अनदर सेल दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं इनका नंबर होता है वन पॉइंट फाइव लैक टू थ्री पॉइंट फाइव लैक अब हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे ज्यादा होती है इरेथ्रोसाइट्स इरे के बाद आती है थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें डब्ल्यू जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं फिर आते हैं डब्ल्यू बी सी अगर डब्ल्यू बी सी में ऑर्डर देखे तो सबसे पहले आती है डब्ल्यू बी सी में न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल के बाद आती है लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स के बाद आती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बाद आती है eosinophil. और इओसिनोफ़िल के बाद आती है बेसोफ़िल, राइट नाउ सी द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्लेटलेट्स ठीक है थ्रोम्बोसाइट को ही क्या कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है एरिथ्रोसाइट आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स को यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया सी से तो सी सबसे ज्यादा है इरिथ्रोसाइट्स के बाद आता है प्लेटलेट्स हमने पीछे अभी देखा तो सी के बाद आएगा ए फिर डब्ल्यू बी सी के टाइप्स में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है तो फिर आएगा बी न्यूट्रोफिल के बाद आता है मोनोसाइट्स ई देन आएगा इोसिनोफिल डी तो देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है सी ए ई डी And C A B E D is given in option B only. So, here the finally correct answer is only option B. Hope you understood it well. Best of luck.